मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें दोस्तों सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी जो है फॉलो अप कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। गूगल क्रोम, काफ़ी दिनों से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको यहाँ इवन प्लेलिस्ट में दिखा भी देता हूँ, आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने गूगल क्रोम के ऊपर अभी तक 8 वीडियोस बना दिए हैं और काफ़ी सारे वीडियोस मैं हर दिन लेकर आ रहा हूँ। उसकी वजह यह है दोस्तों, गूगल क्रोम जो मुझे लगता है और जो ज़्यादातर यूज़र्स जो फर्स्ट प्राइमरी अपना ब्राउजिंग रखते हैं वो गूगल क्रोम पर ही करते हैं। और जब क्रोम पर ब्राउजिंग करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी लॉगिन होती है, ईमेल आईडी आपके क्रोम पर भी लॉगिन है और आप सारा काम इसी पर करते हैं, चाहे वो मोबाइल में हो या फिर डेस्कटॉप पीसी लैपटॉप पर। तो दोस्तों गूगल क्रोम को अच्छे से समझना, कैसे हम यूज़ करें, इसके ऊपर मैंने पूरी सीरीज चलाई है। आज भी मैं कुछ अच्छी सी ट्रिक्स लेकर आया हूँ जिससे कि आपके गूगल क्रोम का एक्सपीरियंस जो है एक अलग ही लेवल पर पहुँच जाएगा। देखिए दोस्तों ये चैनल है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुछ टैब्स हैं, मैं आपको आज दिखाता हूँ हम इन टैब्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जब से न्यू अपडेट आया है तब से दोस्तों ये जो है टैब्स भी अपडेट हो गए हैं। अभी देखिए आप, मान लीजिए जैसे ये दो न्यूज़पेपर के टैब हैं, मैं इन्हें कैटेगराइज करना चाहता हूँ। कभी कभी जब हम वर्क करते हैं दोस्तों तो काफ़ी सारे टैब्स को हम एक एक करके खोलते चले जाते हैं। देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने इतने सारे टैब्स को ओपन कर लिया है। अब जब हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं और जब हम इनके पास ऐसे हम ऑब्लिक करके क्लिक करते हैं तो ये एक तो देर बहुत लेते हैं चेंज होने में, और दूसरी चीज़ जो है कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट टैब यहाँ से जो है बंद हो जाता है। तो दोस्तों गूगल क्रोम के शॉर्टकट्स के ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, उसके लिए मैंने आज ये वीडियो नहीं बनाया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमें इन टैब्स के साथ इन्हें कैटेगराइज कैसे करना है। देखिए दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था ये हमारे न्यूज़पेपर के दो टैब्स हैं। मुझे क्या करना है, किसी एक टैब पर क्लिक करके राइट क्लिक करना है। यहाँ टैब पर आकर राइट क्लिक किया मैंने। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेकेंड ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, एड टैब टू न्यू ग्रुप। एक न्यू ग्रुप में आप इस टैब को ऐड करें, हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ क्या है, नेम, क्या नेम देना चाहते हैं दोस्तों। जैसे ये दोनों टैब जो है न्यूज़ के हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यूज़। ये मैंने न्यूज़ लिख दिया है और मैंने एक अच्छा सा कलर ले लिया है, ये मैंने कलर ले लिया है और यहाँ से जो है अब ये डन हो गया है। डन होने के बाद जो है दोस्तों आप इसको देख पा रहे हैं, आप इसको भी जो है, अब ये भास्कर है, इसमें आप यहाँ राइट क्लिक करके और इसको भी ऐड टैब टू न्यू ग्रुप कर देंगे तो देखिए अब यहाँ पर ग्रुप्स आ गए हैं। जैसे जैसे हम एक से ज़्यादा ग्रुप बनाएंगे तो वो यहाँ आ जाएंगे। मैं इसको भी न्यूज़ ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो अलग ही दिख रहा है, इसमें क्या नया चेंज आया है। अब क्लिक कहाँ करना है, क्लिक करना है आपको यहाँ, ये यह आपको जो न्यूज़ लिखा दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, ये देखिए इस न्यूज़ के अंदर वह दोनों टैब चले गए हैं। मैं एक और करके दिखाता हूँ ताकि आपको सीखने में मदद होगी। ये मान लीजिए हमारे ऑफिशियल काम की वेबसाइट्स है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राइट क्लिक करके, यहाँ पर बनाता हूँ एक न्यू ग्रुप, ऐड टैब टू न्यू ग्रुप। न्यू ग्रुप में मैं लिख देता हूँ ऑफिशियल, ये मैंने ऑफिशियल लिख दिया है। यहाँ भी मैंने एक सुंदर सा कलर ले लिया है, देन डन। अब मैं ये जो वेबसाइट है इसको भी यहाँ ऐड टैब टू, देखिए दोस्तों अब आपको दो ग्रुप दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ हमने दो ग्रुप बना लिए हैं। तो मैं इस वेबसाइट को ऑफिशियल ग्रुप वाले पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ ऑफिशियल पे आने के बाद ये देखिए दोनों टैब्स अंदर चले गए हैं दोस्तों। और अब आपके पास दोबारा मेरा चैनल आ गया है, इस पे अगर आपका मन हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ आप न्यू टैब खोलेंगे, ये कितना एक तो सुंदर लग रहा है और काम क्या आ रहा है, ये मैनेज कर रहा है। देखिए ये सारे जो है टैब इसके अंदर हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे इसको बंद करेंगे, क्लिक करेंगे बंद करेंगे, इससे क्या होगा, मान लीजिए इसके अंदर दोस्तों 10 टैब होते तो 10 के 10 ये जो है मैनेज होते, फिर आप ऑफिशियल पे आते, ऑफिशियल के टैब्स को आप यहाँ से यूज़ करते। तो दोस्तों बहुत अच्छा अपडेट ये आया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आपका जो एक्सपीरियंस है, यूज़र एक्सपीरियंस है, वो एक बहुत ही अच्छे लेवल पर चला जाएगा। दूसरा दोस्तों एक है, मान लीजिए ये हमारे चैनल का पेज है और कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं या कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं आपकी
जिन्हें आप चाहते हैं कि वो बंद ना हो, गूगल क्रोम जैसे ही हम ऑन करें तो वो ऑन हो जाएं। दूसरी चीज़, मान लीजिए यहाँ पर अभी जैसे ये काफ़ी सारे टैब्स आ गए हैं और आपके जो इम्पोर्टेंट कोई टैब है वो यहाँ के बीच में फंस गया है, आप चाहते हैं उसको पिनअप करना। पिनअप होने से क्या होगा, अभी हमें सोच रहा होंगे कि ये डेस्कटॉप अब इससे ऊपर कहाँ जाएगा पिनअप जो है, क्योंकि जहाँ पे अब वर्ड आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो पिन है इसमें हमें क्या करना है कि आप मान लीजिए ये हमारे चैनल का टैब है, इसको मैं पिन कर दूँगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको पिन कर दिया है, तो ये आपके क्रोम के बिल्कुल जो कह सकते हैं लेफ्ट टॉप में आ गया है, ये विंडो आपको दिख रही है और ये यहाँ से हो गई है पिनअप। अब आप इन टैब्स को बंद चालू कर सकते हैं, कुछ भी आप यहां से कर सकते हैं और ये जो है यहां पर पिनअप रहेगा। अब इसके पिनअप का फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए मैं इसको क्रोम को कर रहा हूं बंद, ये मैंने क्रोम कर दिया है यहां से बंद। अब मैं क्रोम को जब दोबारा ओपन करूंगा तो वो पिनअप जो टैप किया था वो दोबारा से रीलोड होकर वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको पिन कर रखा है और पिन कर रखा है तो वो अब जो है वहाँ से देखिए ये ऑन हो गया है और आप वो साइड में देख सकते हैं वो टैब जो है यहाँ ये आ गया है। देखिए ये हमारे चैनल का टैब है और क्योंकि हमने उसे पिन कर रखा था तो वो वैसा ही ओपन होगा जैसा लास्ट हमने उसको क्लोज करते टाइम देखा था। आगे हमें करना क्या होगा, अगर आप उसको पिनअप से हटाना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर करेंगे दोबारा से राइट क्लिक और यहाँ लिखा आ रहा है अनपिन, हम यहाँ से कर देंगे अनपिन। अब ये टैब जो है दोस्तों यहाँ से हो गया है अनपिन। ये था दोस्तों हमारा एक और अच्छा ट्रिक। मैं दो छोटे से ट्रिक और दिखा देता हूँ। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो विंडो 10 यूज़ करते हैं और विंडो 7 यूज़ करते हैं, जब हम नया क्रोम को लॉन्च करते हैं, नया इंस्टॉल करते हैं और क्रोम को जब हम चलाते हैं तो जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनके बाय डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशंस आते हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ ब्लॉक कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ क्लिक करेंगे आप इस ताले के ऊपर तो यहाँ आपको सब पॉपअप वगैरह, ये सर्टिफाइड कुकीज़ वगैरह ये सब ब्लॉक मिलेंगे यहाँ। लेकिन जब हम नया क्रोम यूज़ करते हैं तो यहाँ ये जो आपको पैनल दिख रहा है जहाँ मैं आपको ये माउस कर्सर दिखा रहा हूँ, यहाँ काफ़ी सारे ऐड और ब्रेक्स आते हैं पर्टिकुलर वेबसाइट्स के, जिनके नोटिफिकेशन आप ऑन कर देते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें जाना है सेटिंग्स पर, यहाँ तीन डॉट पर क्लिक करेंगे हम सेटिंग्स पर आएंगे। सेटिंग्स के बाद आने के बाद जो है दोस्तों यहाँ आपको लेफ्ट में एक ऑप्शन आ रहा होगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, हम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर जाएंगे। यहाँ से आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा है साइट सेटिंग्स के ऊपर, मैं बाकी साइट सेटिंग्स के ऊपर और गूगल क्रोम को बैकएंड, दोस्तों ये कहलाता है एक्चुअल में आपका बैकएंड जहाँ पे काम होता है सेटिंग्स, सेटिंग्स के ऊपर मैं एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ आपकी प्राइवेसी को खतरा है, कैसे आप उसको मैनेज करके चलें, कैसे आप उसको पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। हाल फिलहाल हम जाएंगे साइट सेटिंग्स में। साइट सेटिंग्स में जाने के बाद जो है दोस्तों आपको यहाँ नीचे आना है और यहाँ आने के बाद आप देख रहे होंगे ये लिख रहा है नोटिफिकेशंस, ये देखिए आप, ये बेल आइकन की घंटी है जो कि जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं वैसे ही दिख रही है। नोटिफिकेशंस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए दोस्तों हमने कितने सारे वेबसाइट्स के जो है नोटिफिकेशंस को बंद कर रखा है और कितने सारे का जो है अलाउ कर रखा है, ये मैनेज करना बड़ा इजी है। आप यहाँ जैसे ये फेसबुक लिखा है यहाँ तीन डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अलाउ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ब्लॉक कर रखा है इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ देखें नीचे आएंगे, ये कुछ प्लगइन्स हैं, इसके बाद आप ये देख सकते हैं गूगल मीट, ये आप यहाँ पर इसको ब्लॉक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों एक और लास्ट ट्रिक है ये वीडियो एंड करने से पहले, आप यहां ऑटोफिल देख रहे होंगे, ऑटोफिल का ऑप्शन आ रहा है सेटिंग्स में, ऑटोफिल में आपको जाना है। अभी पासवर्ड और पेटीएम मेथड्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, ये वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। ये सेफ्टी चेक आया है दोस्तों, ये भी काफ़ी काम की चीज़ है। हमें जाना है एड्रेसेस एंड मोर पर, यहाँ जाएंगे हम एड्रेस सेट मोर पर। ये देखिए मैंने एक एड्रेस यहाँ पर लगा दिया है, मैं आपको ये न्यू करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पर एड्रेस लगाएंगे तो कंट्री हम यहाँ लिख लेते हैं इंडिया, मैंने यहाँ नाम लिख लिया है मेरा विवेक भारद्वाज और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में हम लिख देते हैं ABC और स्ट्रीट में लिख देते हैं ABC इंडिया। ये मैंने एड्रेस बना दिया और मैंने इसको कर दिया यहाँ सेव। अब देखिए दोस्तों यहाँ दो एड्रेस आपको दिख रहे हैं और मैं एक को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब ये जो एक एड्रेस है दोस्तों ये ऑटोफिल का काम कब करेगा, जब आप कोई गूगल फॉर्म पर आएंगे, किसी फॉर्म को आप फिल कर रहे होंगे दोस्तों और वहाँ पर एड्रेस का जब ऑप्शन आता है तो सबसे ज़्यादा आलस आता है कि इस इतने बड़े एड्रेस को बार बार कौन टाइप करे कौन भरे,
इस ऑटोफिल की मदद से क्या होगा, उस एड्रेस पर जाकर ये पूरा जो है मैसेज वहाँ आ जाएगा, आप उस पर एक टैप करेंगे और आपका पूरा एड्रेस बार जो भी आपने यहाँ पुट किया होगा वहाँ जाके सेट हो जाएगा विद नेम। तो दोस्तों ये लास्ट ट्रिक था गूगल क्रोम के ऊपर, और मैं आशा करता हूँ कि आपका गूगल क्रोम का यूज़र एक्सपीरियंस एक बहुत अच्छे लेवल पर इन सारी ट्रिक्स का यूज़ करके आने वाला है। इसके बाद दोस्तों ये एडवांस और पूरा जो है सेटिंग्स का गूगल क्रोम का मैं हर दिन वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं समझा सकता। आपने यूट्यूब पर कई सारे वीडियो देखे होंगे जो एक एक दो दो घंटे के होते हैं, वो कोई देखता भी नहीं है और उसमें हमें एक बार में चीज़ें समझ नहीं आती हैं। इसलिए हमने बनाई है दोस्तों एक छोटी सी सीरीज, वह सीरीज आप देख सकते हैं ये प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पर जाकर, आप इन सभी को वॉच कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस हम आगे भी बनाते रहेंगे। दोस्तों मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।